नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ग्वालियर से बड़ी खबर। सीएम के सवाल पर बोले हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा है सीएम की दौड़ में मैं नहीं हूं, सीएम संसदीय बोर्ड तय करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है सीएम के चेहरे को लेकर। वो कह रहे हैं कि सीएम की दौड़ में मैं नहीं हूं, संसदीय बोर्ड सीएम तय करेगा कि मध्य प्रदेश में जीत के बाद सीएम कौन होगा, ये तय करेगा संसदीय बोर्ड हाई कमांड। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं सीएम की दौड़ में नहीं हूं। किसी भी काम करता है तो प्रमोशन होना चाहिए। अगर आपकी सरकार चाहने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपकी सरकार तो बनती है, आप गृह मंत्री हैं तो प्रमोशन में क्या मैं उस दौड़ में ही शामिल नहीं हूँ। सवाल गलत जगह पूछा। और तो अगर सीएम नहीं तो डिप्टी तैयार है, हम सीएम के लिए तैयार है। मैंने कहा मैं दौड़ में ही शामिल नहीं हूँ। डिप्टी आप भले ही नहीं हो लेकिन संगठन बनाना चाहेंगे। संगठन काहे को ऐसी बात करेगा भाई। उत्तर प्रदेश जैसा फार्मूला मध्य प्रदेश में भी हो सकता है क्या? दो दो डिप्टी। उत्तर और पुत्तर की बात सब संसदीय बोर्ड करता है, मैं थोड़ी करता हूँ। पूछी गलत जगह रे। चलिए तो वही नतीजों से ठीक पहले कैलाश विजयवर्गीय ने भी बड़ा बयान दिया। एमपी का सीएम हाईकमान तय करेगा, ये कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। और बीजेपी की जीत का दावा भी किया है कैलाश विजयवर्गीय ने। तो बीजेपी के सभी दिग्गज नेता यही कह रहे हैं कि सीएम हाईकमान तय करता है। हाईकमान का जो फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा। सीएम कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, जीत के बाद सीएम कौन बनेगा, ये हाईकमान तय करेगा, कैलाश विजयवर्गीय का ही कहना। बीजेपी काबिज हो जाती है तो सीएम क्या शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं या किसी और के सर पर आप सीएम का दाज रखेंगे? देखिए, ये सब निर्णय करने का काम दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेताओं का है, पर फिर भी हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी विधायक दल की बैठक होगी, वहाँ पर नाम तय होगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस नाम पर मोहर लगाएगी। पर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा। वहीं महिदपुर विधानसभा मामले पर ट्वीट किया है अरुण यादव ने। सोशल मीडिया पर लिखा है डाक मतपत्रों की गड़बड़ी सामने आई है बालाघाट के बाद अब उज्जैन में भी। उज्जैन के कोठी पैलेस के स्ट्रांग रूम में रखे डाक मतपत्रों की पेटी की सील टूटी हुई मिली। कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने। वो कह रहे हैं कि बालाघाट के बाद डाक मतपत्रों की गड़बड़ी सामने आई उज्जैन में भी। उज्जैन के कोठी पैलेस के स्ट्रांग रूम में रखे डाक मतपत्रों की पेटी की सील टूटी हुई मिली। बात करने के सीएम शिवराज की, वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है प्रदेश में। समाज के हर वर्ग ने बीजेपी को समर्थन दिया और भारी बहुमत से सरकार बन रही है बीजेपी की। कल सब कुछ साफ हो जाएगा। नहीं, उम्मीद तो पहले से ही, उम्मीद क्या, विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है, उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप? वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के जीत का दावा किया। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। साहब की यात्रा बहुत एक हम सब के लिए नई ऊर्जा प्रदान करने वाली यात्रा रही। स्वयं जाके उन्होंने द्वितीया पितामरा मैया के यहाँ दर्शन किया, धूमावती मैया के यहाँ दर्शन उन्होंने किया सब परिवार, और आज दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में
मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वहीं भोपाल में काउंटिंग से पहले कमलनाथ का बयान सामने आया, वो कहते हैं कि उन्हें एमपी के वोटर्स पर पूरा भरोसा है और एमपी में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों से बात करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और अगर बीजेपी के पास सीट है तो नाटक क्यों किया जा रहा है। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेज की मांग की है, कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेज की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 107 सीट है तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इसके बात करो, उसकी बात करो। तो मध्य प्रदेश में कल ये साफ हो जाएगा कि फिर कमल खिलेगा या लोग कांग्रेस के हाथ के साथ होंगे। तो वहीं मतगणना से ठीक एक दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के साथ दादा धुनी वाले मंदिर पहुंचे। सीहोर जिला के प्रसिद्ध धार्मिक मंदिर दादा धुनी वाले मंदिर के गर्भगृह में बैठकर अपनी पार्टी की बंपर जीत के लिए यज्ञ भी किया सीएम शिवराज ने। तो चुनाव परिणाम से पहले दोनों ही दलों के नेता देव दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं टेंपल रन। किसी ने खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई तो कोई महाकाल को शीश नवाने पहुंचा, कोई घर पर ही पूजा पाठ हवन करता हुआ नजर आया। बीजेपी के प्रत्याशी मधु वर्मा का परिवार हो या महेंद्र हाडिया का, घर में ही पूजा पाठ और अनुष्ठान का दौर चल रहा है। हाडिया के घर एक पंडित रोज पहुंचकर पूजा पाठ करवाते हैं। वहीं विजयवर्गीय मैंदोला चार भुजानाथ तो गोलू और रीना खाटू श्याम मंदिर पहुंचे। संजय शुक्ला ने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर अरदास की। तो कल मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियों को 3 दिसंबर यानी कल का इंतजार है। सभी जगह मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है, सुरक्षा के कड़े पहरे के बीच काउंटिंग होगी। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर भोपाल की जहां तैयारियां जोरों पर, दूसरी इंदौर की जहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तीसरी खरगोन की जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, चौथी मंदसौर की जहां लगभग तैयारी पूरी है। कल के अहम दिन मतलब काउंटिंग के दिन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। एमपी में काउंटिंग को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं, तो वहीं भोपाल में मतगणना के दिन पुलिस का रूट प्लान तैयार है। कल सुबह 6 बजे से पुलिस का ट्रैफिक रूट प्लान शुरू हो जाएगा। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर एक और जहां इलेक्शन कमीशन के साथ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी बड़ी तैयारी की है, तो वहीं पुलिस भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करे हुए है। इस समय मैं मौजूद हूं मतगणना स्थल के बाहर, जो पुरानी जेल में बनाया गया है, स्ट्रांग रूम मौजूद है और इस पूरे रूट पर जो है वो आने वाले समय में यानी कि कल के दिन जो है ट्रैफिक डाइवर्ट भी रहेगा ताकि यहां पे ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति ना बने। सुबह 6 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन जो है वो 3 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। पुराने पुलिस कंट्रोल रूम चौराहे से लेकर जिला अदालत तक जो 4 पहिया और 2 पहिया वाहन है उनका जो प्रवेश है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो पुरानी जेल को जो है कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया है और इस दौरान यहां पर हाई सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ यहां पर सेंट्रल की फोर्सेस का भी कहीं ना कहीं पहरा रहने वाला है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और लगातार वीआईपी मूवमेंट भी इस जगह पर होने वाले हैं। तो लोगों से भी कहीं ना कहीं पुलिस ने अपील की है कि आप लोग अपनी आवाजाही को इस रास्ते की जगह किसी और रास्ते का अगर उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए सुविधाजनक रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो चलिए क्या कुछ तैयारियां हैं कल के महत्वपूर्ण दिन को लेकर वो हम समझेंगे। पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं वो हम जानेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र,
काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 घंटे करीब 11 घंटे मैं कहूंगा 11 घंटे बचे हैं, कल काउंटिंग शुरू होगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या कुछ तैयारियां पुलिस प्रशासन की हैं कल के दिन को लेकर शैलेंद्र? बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि कल सुबह 7 बजे से मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ मतगणना शुरू की जाएगी। पहले घंटे में जो डाक मतपत्र डाले गए हैं मध्य प्रदेश के, अगर लिहाज से बात करूं तो 3,25,000 जो डाक मतपत्र हैं उनकी पहले घंटे में गिनती की जाएगी, और उसके बाद 8 बजे से जो है वो ईवीएम में किस्मत जो प्रत्याशियों की कैद है धीरे धीरे करके वो खुलना शुरू होगी, और उसके बाद धीरे धीरे रुझान आएंगे और पता चलेगा कि आखिर मध्य प्रदेश के मतदाता के मूड क्या था और किसके पक्ष में मतदान किया। बात अगर तैयारियों की करते हैं तो मध्य प्रदेश 52 जिलों में तैयारियां लगभग पूरी तरीके से कर ली गई हैं। अगर मैं बात करूं तो लगभग 44,000 जो टेबलें हैं वो लगाई गई हैं। देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 64,000 से अधिक जो बूथ थे उन पर जो मतदान हुआ, और एक अगर बात करें हर विधानसभा क्षेत्र में 14-14 के हिसाब से टेबलें लगाई गई हैं। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पोलिंग सेंटर्स अधिक थे, तो कुछ जगह 16, कुछ जगह 18, कुछ जगह 21 तक जो है वो टेबल्स लगाई गई हैं। हर विधानसभा के लिए अलग अलग राउंड जो है वो तय किए गए मतदाताओं के हिसाब से, उसके हिसाब से जो है वो मतगणना की जाएगी। देखिए, तैयारियां पूरी है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, क्योंकि आसपास के इलाके में धारा 144 लागू की गई है। जहां जहां मतगणना उसके आसपास यानी 100 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति 5 व्यक्ति से अधिक एक साथ खड़े नहीं हो सकते। अब वाहनों के आवागमन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहने वाला है। जो गैजेट्स है वो आप नहीं ले जा पाएंगे, चाहे आप पोलिंग एजेंट मतलब काउंटिंग एजेंट हो या फिर जो कर्मचारी है, उन सबको भी मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होगा। केवल और केवल जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर और उसके साथ ही ARO जो काउंटिंग में लगे हो, जिनको मोबाइल से कई सूचनाएं पहुंचानी होती है, अपडेट करना होता है, वो लोग मोबाइल लेके जाएंगे और ऑब्जर्वर जो है वो मोबाइल लेके जाएगा। तो किसी भी तरह की कोई भी खाने पीने की सामग्री हो या मोबाइल हो, ये ले जाना मतदान केंद्र में अलाउ नहीं होगा। 100 मीटर के आसपास जो है वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। और खासकर इस बार एक खास बात और बता दूं कि अब तक ये होता था कि जहां ईवीएम मशीन की काउंटिंग होती है वहां पर सीसीटीवी होती है और ताकि एक एक पल पर नजर रखी जाती है। अब जो व्यवस्था की गई स्ट्रांग रूम से लेकर गैलरी होते हुए जब ईवीएम पहुंचेगी तो उस पूरे इलाके को भी सीसीटीवी लगाया गया ताकि किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश ना हो पाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर सवाल खड़े करती रही ईवीएम को लेकर या डाक मतपत्र को लेकर, तो निर्वाचन आयोग ने इस बार इस तरह की व्यवस्थाएं की है कि किसी भी तरह की कोई शक की गुंजाइश ना रहे, कि अब तो काउंटिंग की प्रक्रिया पर कोई सवाल ना उठा पाए, इसलिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी, पुलिस का पहरा भी होगा। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। खबर हरदा से है जहां कांग्रेस ने कृषि मंत्री के बेटे पर डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सुदीप पटेल पर सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेज लिखने की बात कही। कांग्रेस ने कहा कि मंत्री पुत्र सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं खुला खेल करो, खुली चूट है, कमर के नीचे मारना, कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, ऐसी बातें लिखी है कांग्रेस से कह रहा है। इन बातों से कांग्रेस कार्यकर्ता भय में है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से मंत्री पुत्र सुदीप को मतगणना से दूर रखने की मांग की। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से कमल पटेल के पुत्र जो भाजपा के प्रत्याशी, उनके पुत्र सुदीप पटेल के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, शहर की जनता को और कुछ सामाजिक वर्गों को भी, मुस्लिम हो, जैन हो या सिंधी समाज हो या बैस समाज हो, सबको धमकी दी जा रही है। उसके विरुद्ध में हमने रात को 12 बजे पूरे चुनाव आयोग से लगा के, केंद्रीय चुनाव आयोग, प्रदेश चुनाव आयोग, हरदा चुनाव आयोग, SP, कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी और DGP सबको शिकायत मैंने रात को 12 बजे की है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब बात धार की, जहां यात्रियों से भरी टेम्पो नहर में गिर गई। ओमकारेश्वर परियोजना की नहर में टेम्पो गिरा है, हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है, 4 लोग नहर में गिरने से घायल हुए हैं, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। ग्राम से मलदा की घटना। टेम्पो पलटी खाने की वजह से दुर्घटना हुई है, इसमें 2 मृतकों को लाया गया है, जो पिता और पुत्र रिलेशन यही है, जिनकी डेड बॉडी मृतक अवस्था में शव गृह में रखा दी गई है, जिनका पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दी जाएगी। घायल 2 महिलाओं को लाया गया है, इनका प्राथमिक उपचार किया गया है और यथावत उनको जैसा भी रेफरल करना होगा कर देंगे। सागर से खबर, सागर में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, हाथ में चाकू लेकर
युवक से मारपीट की बदमाशों ने। 3-4 युवक एक युवक को जमकर पीटते हुए नजर आए। एक युवक हाथ में चाकू लेकर युवक को धमकाता हुआ नजर आया। पेट में मारने की बात कह रहा था वो। युवक की पिटाई किस कारण से कर रहे थे ये बदमाश, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस व्यवस्था पर भी एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं इस वीडियो को लेकर। वीडियो सागर के जिला जेल और गोपालगंज थाना क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है। छतरपुर में यूरिया और डीएपी खाद के लिए किसान परेशान है। घंटों इंतजार के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। ठंड के बीच खाद के लिए लाइन में लगे किसानों को प्रशासन खाद नहीं दिला पा रहा है। आपको बता दें कि ठंड बढ़ने और ओस गिरने से खाद की मांग बढ़ गई है, लेकिन खाद के लिए किसान परेशान होते हुए नजर आए। हम 9 बजे से आ गए, 9 बजे से ना कोई टोकन मिला मिला है, ना कुछ नहीं, ना लाइन में लगे लगे बाहर चाय फिर रहे, लेकिन टोकन ही नहीं था उनने। कितनी परेशानी हो रही, खाद नहीं मिल रही, क्या है? बहुत ज्यादा परेशानी है श्रीमान जी, ये 3 दिन बंदी लें, आधार कार्ड लें। प्राइवेट में बेच रहेगा? अब सहकारी है जी, तो प्राइवेट में बेच रहेगा जी। अब ये नहीं हमको पता है कि क्या कर रहा है, कि प्राइवेट में बेच रहा हो के मान लो। मीट्रिक टन उसकी थी और वो अभी हमको लगभग 18-19 हज़ार मीट्रिक टन मिला हुआ है। तो यूरिया की आवश्यकता हमारे टॉप ड्रेसिंग में पड़ती है, या बोनी हो जाती है, उसके बाद गेहूं फसल में ज़्यादा लगता है। तो वो हमारा एक हाँ, और इस तरह की वो समय शुरू हो रहा है, और जिन लोगों ने बोनी पहले कर दी तो उस वो पहली टॉप ड्रेसिंग के लिए हमारे किसान तैयार है। धार में पिंजरे में कैद हुआ है तेंदुआ। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है जब तेंदुआ पकड़ में आ गया। एक हफ्ते पहले तेंदुआ दिखाई दिया था, काफी दहशत मचा रखा था इस तेंदुए ने पूरे इलाके में। वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। करौंदिया मोटा ग्राम में पिंजरे में कैद हुआ ही था। राहत की सांस ली सभी ग्रामीणों ने। और आइए अब देखेंगे खबरों का।